हेलो व्यूअर, दिस इज़ वेयर टेक डॉट पी के। आज जो स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं वो है अल्ट्रा वेरिएंट सीरीज़ की स्मार्ट वॉच, जो कि सीरीज़ एच की स्मार्ट वॉच है और जो एच डी एट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के नाम से है। आप मेरे हाथ में वॉच देख सकते हैं। वॉच को मैं पहले ही बॉक्स से ओपन कर चुका हूँ। ये इसका बॉक्स है, ठीक है। मैं आपको बॉक्स के पीछे की डिटेल दिखा देता हूँ। वॉच अल्ट्रा के नाम से ये मार्केट में है। इसका प्रोडक्ट जो मॉडल नंबर है वो है HD8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, और जो इसकी एप्लीकेशन है वो फिट क्लाउड की एप्लीकेशन में। वॉच बॉक्स को मैं अनबॉक्स बाद में कर लूँगा, पहले मैं आपको वॉच का रिव्यू दिखा देता हूँ। ये मैंने जो इसमें स्ट्रैप लगाया हुआ है, ये अल्पाइन लूप के स्ट्रैप्स हैं। इस बॉक्स के अंदर जो वॉच के साथ स्ट्रैप्स आ रहे हैं वो अल्पाइन लेदर लूप और सिलिकॉन ओशियनिक स्ट्रैप दोनों आ रहे हैं। वॉच आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, एग्जैक्ट 49mm की स्मार्ट वॉच है। शेप भी जो है इसका ओरिजिनल वाला है। बॉडी का जो कलर है वही स्पेस गोल्ड कलर है। एलुमिनियम बॉडी है, TFT ग्लास डायल है, और पीछे आपका जो है वो ग्लास डायल मिल जाएगा। स्ट्रैप लॉक का ऑप्शन है लेकिन इसमें स्क्रू का ऑप्शन नहीं है, जिस तरह बहुत सारे वेरिएंट में जो है वो ओरिजिनल वाला लुक दिया गया है। स्क्रू वाला इसमें स्क्रू का नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है वो वॉच का वॉलपेपर्स का रिव्यू करा देता हूँ। ये इसके ओरिजिनल वेरिएंट के वॉलपेपर हैं सीरीज 8 के, जो कि 4 वेरिएंट कलर में, एक येलो एंड ब्लू में है, जो ओरिजिनल वाला है वो ऑरेंज और ब्लैक में है। सेम एज इट इज़ एक ये भी वेरिएंट इसमें दिया गया है, और ये इसका चौथा वेरिएंट है ओरिजिनल वॉलपेपर का। अगर अदर वॉलपेपर की कर लें तो वॉलपेपर की बात तो वही है, जिस तरह सीरीज अल्ट्रा के क्लोन वेरिएंट में आते हैं। कस्टमाइज इसके अंदर बेतहाशा ऑप्शन है वॉलपेपर के, अपने डिस्प्ले पे वॉलपेपर पिक्चर भी लगा सकते हैं आप। बेजल्स का फ़र्क आपको तमाम जो है वो 49mm जो एग्जैक्ट ओरिजिनल वाले लुक पे क्लोन वेरिएंट बनाया गया है, चाहे वो MT8 अल्ट्रा हो, H11 अल्ट्रा हो, N8 अल्ट्रा प्लस हो और DT8 अल्ट्रा हो, उन सब में जो है वो आपको बेजल्स नज़र आएगा, क्योंकि डायल साइज़ बढ़ा है तो स्क्रीन साइज़ उसमें सिंक्रोनाइज होकर छोटा हो जाता है, तो बेजल ज़्यादा शो होते हैं। लेकिन अगर आप उसको ब्लैक डिस्प्ले वॉलपेपर पे यूज़ करते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसका जो है वो बेजल्स कितना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इसमें ब्लैक वॉलपेपर के साथ आपको नहीं पता चलता कि इसमें बेजल्स हैं, ये बेजल लेस फिर लगती है। यूज़र इंटरफेस की बात कर लूँ तो ये इसका जो है वो यूज़र इंटरफेस है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। स्मूथ टच है इसका, लैग नहीं करता बिल्कुल भी। और जहाँ तक मैं इसके फीचर्स की बात कर लूँ तो ये इसके फीचर हैं, इसमें कैलकुलेटर का ऑप्शन उसी तरह है, बाकी जो है वो गेमिंग के ऑप्शन भी हैं। गेम इसमें जो है वो एक रेसिंग कार वाला है और एक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक वाला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दो इसमें बिल्ट इन गेम्स दिए गए हैं। बाकी सारे ऑप्शन इसमें वही हैं। हाँ, इसमें एक ब्लड प्रेशर चेक करने का जो है वो जो फीचर है वो अलग से दिया गया है कि आप बीपी चेक करने के लिए, इसमें अलग से इसमें आइकन दिया गया है बीपी चेक करने के लिए। मोस्टली स्मार्ट वॉचेस में बीपी का ऑप्शन नहीं होता, फिटनेस ट्रैकर के दूसरे ऑप्शन होते हैं। बटन वर्किंग का मैं बता दूँ तो साइड बटन ऑरेंज बटन वर्किंग वही है जो आपके फिटनेस ट्रैकर्स के लिए स्पोर्ट्स मोड के लिए यूज़ होते हैं, क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस, स्कीपिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके फिटनेस ट्रैकर्स के लिए हमारे पास ऑरेंज बटन वर्किंग ऑपरेशन है। ये जो लीवर बटन है ये क्राउन वर्किंग के लिए है और जो है वो मेन्यू स्टाइल को ओपन करने के लिए है, जिस तरह मोबाइल में होता है। और जो इसका साइड बटन है ये ऑन ऑफ के लिए है, जब इस पर करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे चली जाती है ये। मैं इसकी सेटिंग में जाके इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, सेटिंग में जब मैं इसकी गया तो ये स्टाइल स्विच का ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसमें जो है वो मेन्यू स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। यूज़र इंटरफेस का जो ऑप्शन है वो इसमें 10 है। किसी भी स्मार्ट वॉचेज में मैंने अभी तक क्लोन वेरिएंट में इतने ज़्यादा जो है यूज़र इंटरफेस के ऑप्शन नहीं देखे हैं। मैं आपको देखें हम एक ऑप्शन है स्क्रीन, ये डायल स्विच का ऑप्शन है, यहाँ से जाके डायल स्विच कर सकते हैं आप। डायल स्विच का सिंपल ऑप्शन होता है कि आप लीवर को घुमा के, क्रॉन वर्क को घुमा के आप जो है वो इसका डायल चेंज कर लें। ब्राइटनेस का ऑप्शन है और स्क्रीन टाइम का ऑप्शन है, जो ऑलवेज ऑन के अलावा जो स्क्रीन टाइम है वो इसमें टाइम दिया गया कि 10 सेकंड के लिए रखनी है आपको, 30 सेकंड के लिए रखनी है।
जितने भी सेकंड के रख लिए इसमें ऑप्शन मौजूद है। रेस्ट टू वेक में भी जो है वो मोस्टली स्मार्ट वॉचेस में सिर्फ ये ऑप्शन आता है कि रेस्ट टू वेक में जो है आप रेस्ट टू वेक ऑन कर दें, और आप जब हैंड को रेस करेंगे तो आपका जो है वो डायल जो है वो वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, फिर जो है वो जैसे ही आप हैंड नीचे करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस स्मार्ट वॉच में जो रेस्ट टू वेक का ऑप्शन दिया गया है वो टाइमिंग के हिसाब से दिया गया है, आप चाहें तो उसको 6 सेकंड तक रेस्ट टू वेक को ऑन कर रख सकते हैं। ये AOD क्लॉक है, इसका मीन्स डेट के अभी मैंने जो है ऑलवेज ऑन पे एनालॉग क्लॉक लगाई हुई है। अगर मैं इसको डिजिटल क्लॉक लगा देता हूँ तो आपको दिखा सकता हूँ, ये डिजिटल क्लॉक लग गई है ऑलवेज ऑन का, इसमें अलग से फीचर दिया गया है। जितने भी क्लोन वेरिएंट अच्छी क्वालिटी में आ रहे हैं उनमें तमाम में इस तरह के फीचर्स हैं, लेकिन इनमें जो है इस सीरीज HDA अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में क्या मसला है। डिस्प्ले के अंदर जाके मैंने आपको सारे इसके जो है ऑप्शन दिखा दिए, बैटरी का ऑप्शन भी दिया गया है इसमें। ये पहली स्मार्ट वॉच देख रहा हूँ जिसमें पावर सेविंग का मोड दिया गया, जिसमें जिस तरह स्मार्ट वॉचेज में मोबाइल स्मार्टफोन्स में दिया जाता है। अगर मैं इसको पावर सेविंग मोड पर लाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो है वो ये मैंने पावर सेविंग मोड ऑफ ऑन कर लिया तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो डिम हो गई है, और मैं पावर सेविंग मोड से अगर इसको हटाता हूँ तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो वापसी जो है वो उस तरह अपनी फाइनल जो है वो उसमें रेजोल्यूशन में आ गई है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन भी इसमें अलग से दिया गया है कि सॉफ्ट स्ट्रांग और ऑफ, जिस तरह मोबाइल में ऑप्शन होता है कि आपने जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पर लगानी है, सॉफ्ट रखनी है, उस पर रखनी है, इतना ज़्यादा जो है वो फीचर्स मैंने अभी तक किसी क्लोन वेरिएंट में नहीं देखे हैं। लैंग्वेज की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज के ऑप्शन है इसमें, इस तरह नहीं है कि टॉप 3 टॉप 5 लैंग्वेज के ऑप्शन है, एटलीस्ट जो है वो इसमें 10 से 12 लैंग्वेज के ऑप्शन दिए गए हैं। टाइम सेटिंग, टाइम की बात कर लें तो वॉच के अंदर डेट और टाइम सेटिंग का ऑप्शन दोनों दिया, 24 आवर और 12 आवर फॉर्मेट दोनों का ऑप्शन दिया गया है। ये वॉच जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन भी है, अगर आप चाहें तो इस वॉच पर पासवर्ड लगा सकते हैं, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन इसमें नहीं है। सिस्टम में जाके मैं आपको जो है वो इसकी इन्फो दिखा देता हूँ। मार्केट में जो है ये सीरीज अल्ट्रा के नाम से ही सेल हो रही है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल जो मॉडल नंबर है वो है HDA अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। ये इसका जो है वो फुल एंड फाइनल रिव्यू था। जो इस वक्त मार्केट में इसकी प्राइस है वो 9,000 के अराउंड है, और इसमें जो स्ट्रैप्स आ रहे हैं वो अल्पाइन लूप और एशियनिक सिलिकॉन दोनों स्ट्रैप्स आ रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि यार वॉच के फीचर क्या हैं। भाई वॉच का फीचर वही स्मार्ट वॉच है, मोबाइल नहीं, मोबाइल वॉच नहीं है, इसमें कार्ड सिम नहीं लगता है, सिंपली जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट होती है, तो इसके जो है वो सारे फीचर्स वर्क करते हैं स्पोर्ट्स मोड के। बाकी आप डायरेक्ट इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो इस ये आपके कॉलिंग पर्पज़ के लिए होती है, आपके मोबाइल पर जो कॉल आ रही होती है वो वॉच पर आती है, आप वॉच से कॉल को रिसीव करके बात कर सकते हैं, नंबर निकाल के नंबर डायल करके कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग पे भी बात हो जाती है। व्हाट्सअप और टेक्स्ट मैसेजेस के रिप्लाई नहीं होते इसमें, ठीक है, सिर्फ जो है आप सीन कर सकते हैं किसका मैसेज आया क्या आया, इसकी कोई बिल्ट इन मेमोरी नहीं होती ना इसमें कोई कार्ड लगता है। ये स्मार्ट वॉचेज हैं, बेसिकली फिटनेस और स्पोर्ट्स वॉचेज कहलाती हैं। ये वॉच का फुल रिव्यू था, मैं बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके आपको जो है वो बॉक्स दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह इसका लगेज दिया गया है और इसके स्ट्रैप्स और गाइड बुक की क्या सूरत हाल है। इसका बॉक्स है, ये देख सकते हैं आप, ये जो है वो वॉच का लगेज है, यहाँ पे इसकी वॉच रखी हुई है। ये इस तरह से इसमें जो है वो चार्जिंग का लगेज दिया गया है, और इसमें जो चार्जर है वो वायरलेस चार्जर ही यूज़ किया गया है। ये देख सकते हैं ये इसका वायरलेस चार्जर है। ये इसकी गाइड बुक है जो इसमें दी गई है, जो इसकी एप्लीकेशन है वो जो है एप्लीकेशन इसकी जो है वो फिट क्लाउड प्रो के नाम से एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फिट क्लाउड प्रो की एप्लीकेशन से कनेक्ट होती है, इस तरह का साइन है, आप इसके अंदर QR कोड है उसको स्कैन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन जो है वो इसकी फाइंड आउट हो जाएगी। और जहाँ तक स्ट्रैप्स की बात कर लें तो स्ट्रैप्स का जो है वो अलग से इसमें बॉक्स दिया गया है, इस तरह से लगेज है, और दो स्ट्रैप्स के इसमें ऑप्शन दिए गए जो वॉच के अंदर बिल्ट इन उसमें आ रहे हैं। ये जो है वो अल्पाइन लूप का स्ट्रैप्स है ऑरेंज कलर में, और ये इसका ऑरेंज कलर में ओशियनिक सिलिकॉन स्ट्रैप्स है।
हमारी वेबसाइट पे जो है स्ट्रैप्स के कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रीन, येलो, रेड, जिस कलर में चाहें आप जो है वो स्ट्रैप बाय कर सकते हैं। कस्टमाइज स्ट्रैप का ऑर्डर बनवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी गिवन है, वहाँ जाके भी ऑर्डर बनवा सकते हैं आप। फेसबुक पे मैसेंजर पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री है। प्राइस इसकी 9,000 के अराउंड है अभी तक, हो सकता है आने वाले वक्त में प्राइस इसकी ड्रॉप हो जाए। इंडियन व्यूवर्स के लिए काइंडली सिर्फ रिव्यू और अनबॉक्सिंग है, उनके लिए जो है वो इंडिया में कोई डिलीवरी नहीं है, हम पाकिस्तान से कराची से ऑपरेट करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिएगा।